एक वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है, इसका मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया था। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जब आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास जो पासपोर्ट आता है वो पासपोर्ट कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक पासपोर्ट आया हुआ है जो मैं इसको ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको पासपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे आपको इस साइड में पूरा आपको यहाँ पे एड्रेस आ जाता है और यहाँ पे उसका जो पासपोर्ट का जो भी है वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। तो मैं आपको ये पासपोर्ट को मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि ये पासपोर्ट कैसा होता है और अप्लाई करने के बाद जो पासपोर्ट आता है वो आप पासपोर्ट कैसा होता है। अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप टेंथ का सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको ECNR पासपोर्ट बनता है, अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो आपको ECR पासपोर्ट बनता है। तो मैं जो अप्लाई किया था वो ECR पासपोर्ट है। मैं आपको इसको जो पासपोर्ट है मेरे हाथ में मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पासपोर्ट जो होता है ECR पासपोर्ट वो कैसा होता है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मेरे हाथ में है यह पासपोर्ट है, यहाँ पे इसको आप पासपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं पासपोर्ट के यहाँ पे नंबर आता है और यह पासपोर्ट है। तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरे जो है हाथ में ये पासपोर्ट है जो मेरे फ्रेंड का है, मैं इसको ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पासपोर्ट को जो पासपोर्ट ऑफिस में जो स्टाम्प लगता है वो यहाँ पे स्टाम्प लगा हुआ है, यहाँ पे मुहर लगा हुआ है, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह लगा हुआ है। ये आपका यहाँ भारत गणराज्य है, इस तरीके से आप पासपोर्ट को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मेरे फ्रेंड का है और यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका नाम पूरा आ चुका है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, पूरा एड्रेस आ चुका है, यहाँ पे आपको जो है जो नाम वगैरह है वो नाम वगैरह यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाता है। ये पासपोर्ट यहाँ पे पासपोर्ट नंबर है। इस तरीके से अगर आप कोई भी कंट्री में जाते हैं तो आप जो भी कंट्री में जाते हैं वो कंट्री का आपका यहाँ पे वीजा लगेगा, उसका स्टाम्प लगेगा, मुहर लगेगा। तो जो भी कंट्री में जाएंगे वो आपको यहाँ पे वीजा लगेगा। इस तरीके से आपको हर पेज पे आपका यहाँ पे वीजा लगते जाएगा, स्टाम्प मुहर लगते जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, इसके बाद इसमें आप कुछ नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा पेज जो ब्लैंक है क्योंकि अभी ये नया है। इस तरीके से हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट है, यहाँ पे जो आपका जो है पासपोर्ट नंबर होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे लास्ट से सेकेंड पेज में आएंगे। सेकेंड पेज में आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेरा फ्रेंड है उसका यहाँ फादर का नाम है, मदर का नाम है। इस तरीके से यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस आ जाता है और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मिल जाता है इग्रीमेशन चेक रिक्वायर्ड। मतलब ये जो है ECR पासपोर्ट है, जो ECR पासपोर्ट वो होता है जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं उसका ये पासपोर्ट बनता है। तो ये पासपोर्ट है, सिर्फ ये पासपोर्ट को आप आधार कार्ड के बेस पे आप ये पासपोर्ट बनवा सकते हैं। सिर्फ आधार कार्ड दीजिएगा तो आपको ये पासपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे आपको ECR पासपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है और यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है इग्रीमेशन चेक रिक्वायर्ड। जो पढ़े लिखे होते हैं उसको जो टेंथ का कम से कम सर्टिफिकेट लगता है तो उसको जो पासपोर्ट बनता है वो ECNR पासपोर्ट बनता है। तो वो जो होता है ECR पासपोर्ट होता है और ये जो है आधार कार्ड के बेस पे बनवाया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ECR पासपोर्ट है मतलब इग्रीमेशन चेक रिक्वायर्ड। जो पढ़े लिखे होते हैं उसका ECNR पासपोर्ट बनता है, मतलब ECNR का फुल फॉर्म होता है इग्रीमेशन चेक नोट रिक्वायर्ड। और यहाँ पर देखिए ECR है मतलब इग्रीमेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर आप इस पासपोर्ट से कहीं सफर करते हैं तो 18 ऐसे कंट्री है जहाँ पे जाने के लिए आपको इग्रीमेशन लेने पड़ते हैं और वो आपको एयरपोर्ट पे आपको इग्रीमेशन लेना पड़ता है। तो आप 18 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जाने के लिए आपको इग्रीमेशन के लिए चक्कर लग जाएंगे। तो आप जब
एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ एयरपोर्ट पे आपको एग्रीमेशन कराना पड़ेगा। 18 ऐसे कंट्री है तो आपको वहाँ पे उस कंट्री में जाने के लिए परमिशन मिलेगा और फिर आप उस कंट्री में आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे है ECR पासपोर्ट और इसका पूरा यहाँ पर डिटेल आ जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पासपोर्ट है जो ECR पासपोर्ट है जो मेरे फ्रेंड का है जो नहीं पढ़े लिखे, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि किसका जो है ECR पासपोर्ट है और किसका ECNR पासपोर्ट है। जिसका भी यहाँ पे आपका जो लास्ट पेज देखिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कम से कम 10th क्लास का सर्टिफिकेट दिए रहते हैं और वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं 10th का सर्टिफिकेट देके और फिर उसका जो पासपोर्ट बनता है उसका ECNR पासपोर्ट बनता है और उसके पासपोर्ट पर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, मतलब ECR जो एग्रीमेशन चेक नोट रिक्वायर्ड नहीं लिखा रहेगा। तो उसके जो पढ़े लिखे होते हैं उसके पासपोर्ट पे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है, पूरा ब्लैंक होता है। जो मैं आपको एक वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ECR पासपोर्ट और ECNR पासपोर्ट क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंसेस होता है, मैं उस पर जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि ECR पासपोर्ट और ECNR पासपोर्ट क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंसेस होता है। मैं उस पर जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ है और उसमें पूछा गया है कि ECR पासपोर्ट और ECNR पासपोर्ट क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंसेस होता है, उनको जरा डिटेल में बताइएगा कि ECR पासपोर्ट क्या होता है और ECNR पासपोर्ट क्या होता है। तो मैं आपको जल्द ही ऐसा वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ कि ECR पासपोर्ट क्या होता है और ECNR पासपोर्ट क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंसेस है और क्या अंतर है, वो मैं आपको जल्द ही एक वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज पाइए आप रोजाना।